बाद इंटरव्यू का बुलावा है, टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर से 6 महीने बाद बुलावा आएगा। क्या मैं महीने का 500 यहाँ बाथरूम के बाहर खड़ी रहने का देती हूँ? मैं भी तो 500 रुपए देती हूँ, कोई पॉकेट में नहीं रहती। देती है तो तू कोई मेहरबानी नहीं कर रही है चाचा, वरना 6 महीने बाद फिर से बुलावा आएगा। ए प्रियंका, तेरा क्या प्रोग्राम है आज का? आज तो मैं राम गोपाल वर्मा के ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ पर नई फिल्म की कास्टिंग चल रही है ना, फिर तो राशन की लंबी लाइन लगेगी वहाँ। अरे देख, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि लड़की में अगर टैलेंट हो ना तो कुछ भी हो सकता है। तो तेरे पास टैलेंट भी है? मौके की तलाश में हूँ, एक बार मौका हाथ लग गया ना तो ये करीना वरीना क्या चीज है, सबकी छुट्टी कर दूंगी मैं। श्योर? यस। कॉन्फिडेंट? यस यस। लॉक कर दूं? यस। अच्छा कंप्यूटर जी, बताइए ये जवाब सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। प्रियंका, उधर देखना। किधर? उधर उधर। हाँ, अब ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये ले, आइंदा बाथरूम में ज्यादा देर मत लगाना, समझी? हाँ। ये क्या है? हाँ? अरे डर डर मत, तेरा कुछ नहीं फटा, ये फटा था। गाड़ी रोको, अभिषेक मैं क्या तू गाड़ी रोको? मैं ओफ ओफ क्यों किया अभिषेक, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुमने ठीक नहीं किया। रीना प्लीज, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और तुम कहते हो भूल जाओ। मैं इसका कसूरवार सिर्फ तुम्हें मानती हूँ। रीना, रीना, अगर मेरी जगह कोई दूसरा नौजवान भी होता ना तो शायद वो भी खुद को रोक नहीं पाता। कमीना, करने को कर दिया और अब कहते हैं खुद को रोक नहीं पाया। मगर मैं दुनिया वालों का सामना कैसे करूं? काश तुमने ऐसा किया ना होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। रीना, अब थोड़ा सा इंतजार और कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कमीना कहीं का, जब इंतजार करना था तब नहीं किया और जब सब कुछ हो गया तब कह रहा हाँ, इंतजार करो। ठीक है, तुम कहते तो इस बार इंतजार कर लूंगी, लेकिन अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मैं रेल की पटरी पर जाकर सो जाऊंगी और इस बार बताऊंगी भी नहीं कि मैं मरने जा रही हूँ। इडियट, रेल की पटरी पर सोने जा रही थी, इसके साथ सोने से पहले सोच लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ। तो आप पीए के इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी हाँ, मगर आप हंस क्यों रहे हैं? वो क्या है कि पहले भी 5 लड़कियां आई थी पीए बनने के लिए। तो क्या वो पीए नहीं बनी? अरे बनी क्यों नहीं, जरूर बनी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिकी। मगर क्यों? वेरी सिंपल, उन्हें हमारे छोटे साहब का नेचर पसंद नहीं आया ना। ऐसा क्या करते आपके छोटे साहब? कमाल तो यही है कि वो कुछ नहीं करते। इसीलिए सारी लड़कियां चली गईं। लेकिन आप घबराइए मत, हमारे छोटे साहब बहुत हैंडसम हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। मगर वो आएंगे कब? अरे अभी आते ही होंगे, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ओके जी। क्या सोच रही हो तुम? भी कुछ खा लो। अभिषेक, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सब मुझे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, जैसे मैं कोई कचरा हूँ। ओफो रीना, ये तुम्हारा वहम है, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। ऐसा करो, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ऑलराइट, जल्दी आना। Waiter. Yes. 1 cold drink, please. Yes, ma'am. समझता क्या है अपने आप को? कहता है मैं रोल में सूट नहीं करती। क्या नहीं है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अभी एक लड़के को इशारा कर दूँ तो 100 लड़के पीछे पड़ जाएं। साले ने पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। Yes, ma'am. Thank you. It's all right, ma'am. अभी दिखाती हूँ कितनों की लाइन लग जाती है मेरे पीछे। चले खाना खा। साला कोई ढंग का लड़का ही नहीं है। इसको पटा के दिखाती हूँ। कमबख्त देखता क्यों नहीं? देखो कैसे सर झुकाकर खाने में घुसा हुआ है, गधा कहीं का। मुझे किसी ने बुलाया? नो सर। आई शो? वेटर। यस मैम। यस मैम। सुनो, वो सामने वाली टेबल पर जो बैठे हैं उनका नाम क्या है? वो अभिषेक जी हैं। अभिषेक? हाँ। एक बात बोलूं मैडम? बोलो बोलो। वो इस रेस्टोरेंट की शान है। अच्छा। मेहरा साहब की इकलौती संतान है। अच्छा। अभी तक कुमारे हैं, इसलिए माँ बाप परेशान हैं। वाओ। और कुछ ना मैडम, अंदर अच्छे अच्छे पकवान हैं। नहीं नहीं, बस बिल ले आना। हाँ, यस मैम। ये लीजिए बिल मैडम। 1 कोल्ड ड्रिंक के 30 रुपए? नो मैडम, कोल्ड ड्रिंक तो सिर्फ 15 रुपए की है, बाकी मेरे टिप। टिप तो मैं मेरी मर्जी से दूंगी। क्या बात करती है मैडम, इतनी इन्फॉर्मेशन तो पुलिस को खबरी भी नहीं देता है, और ये तो सिर्फ। ठीक है ठीक है, बकवास मत करो, ये लो। out. Thank you, madam. Thank you. ए, बैठना। अब उठाएगा, अब उठाएगा, अब उठाएगा, अब उठाएगा, अब उठाएगा। बेशर्म कहीं के, आपने मुझसे कुछ फरमाया? एक लड़की का रुमाल गिर जाता है, अब तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि तुम उसका रुमाल उठाकर उसे दे दो। लेकिन मैडम, मैंने कोई रुमाल नहीं देखा। तो देखना चाहिए था ना, इतना पास में गिरा हुआ था। अच्छा, ये आपका रुमाल है। I'm sorry, extremely sorry. My foot. एक लड़की का रुमाल उठाकर देने की तमीज नहीं है तुम्हें। तुम क्या खाक जिंदगी में तरक्की करोगे? बेशर्म कहीं के। Idiot. तुमने भी मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया।